नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्या बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरी के गले में सूजन की दवा। बकरी के गले में जबड़े में जो सूजन होता है वो कैसे होता है, मतलब क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बकरी के गले में सूजन होता क्यों है। जब इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो इलाज करना आपको बहुत ही इजी यानी आसान हो जाएगा। और दूसरी बात कि पहले तो ये रोग होगा ही नहीं, बकरी के गले में सूजन, जबड़े में सूजन या गांठ बनना ये होगा ही नहीं। तो आइए आते हैं मेन टॉपिक पर। देखिए क्या होता है, जैसे चराई की बकरी है या स्टाल फीड, दोनों को होता है। स्टाल फीड की बकरियों को कम होता है और चराई की बकरियों को ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से ये जैसे अभी सर्द का मौसम, ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात जाने के बाद ठंड आता है और चराई की बकरियाँ दिन भर चराई पर रहती हैं। और जब वो मिट्टी वाला चारा यानी धूल मिट्टी डस्ट वाला जब वो चारा खाती हैं, तब इनको ये गले में सूजन या गांठ या पानी भरना, ऐसा जो है कि इनको बीमारी होता है। अब स्टाल फिट की बकरी कैसे होता है, जैसे कि बरसात में हमने अपने खेत में नेपियर लगाया या मलाई घास या और जो भी हमने घास लगाया हुआ है, चाहे तो ज्वार जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ देहात में चरी बोलते हैं, वो लगाया है, वो गिर गया है और हम लेके आए हैं मिट्टी लगा हुआ और उसको बकरियों को काट कटिंग करके दे दिया, उन्होंने खा लिया। या तो फिर हमारे भूसे में मिट्टी है वो हम खिलाते हैं, जैसे कि मैं अक्सर अपने गाय भैंसों को, सॉरी भैंस बोल दिया, मेरे पास भैंस नहीं है, गाय है, तो और बकरियों को जो है कि मैं भूसा जब भी खिलाता हूँ तो धो करके खिलाता हूँ, उसमें बहुत सारे मिट्टी निकलते हैं, वही मिट्टी खाने से, वही डस्ट खाने से बकरियों के गले में सूजन होता है। अब देखिए जैसे कि ये मेरी बकरी है, आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जैसे दिखाइए, जैसे कि बकरियों को अक्सर यहाँ पर जबड़े के नीचे, यहाँ जबड़े के नीचे हो जाता है सूजन और यहाँ गले में, यहाँ भी हो जाता है, कहीं गिल्टी हो जाता है, कहीं सूजन हो जाता है, तो वो गंदा चारा खाने से ही होता है, चाहे स्टाल फिट की बकरी हो चाहे चराई की बकरी हो। अब बात करते हैं इसके दवा की यानी इसका इलाज। देखिए इसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि जब ये आपकी बकरी को गले में सूजन हो गया, गांठ बन गया, पानी आ गया है, तो क्या करना है आपको, पहले तो बकरी का डीवार्मिंग करना है, चाहे बकरी हो चाहे बकरा हो चाहे मेमना हो। अब ये ध्यान देना है कि अगर आपकी गाभिन बकरी है तो गाभिन बकरी का डीवार्मिंग अलग आता है, वो फेरमेंडाजोल साल्ट का आता है, और खाली बकरी के लिए अलमेंडाजोल। तो अगर खाली बकरी है तो आप अलमेंडाजोल यानी जैसे जैसे कि अल्बोमार है आप उससे करें, या गाभिन बकरी है तो नीलजान हो गया, क्यूराजान फोर्ट हो गया, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कोई भी। आपको यही ध्यान देना है कि बकरी हमारी गाभिन है या खाली है, तो पहले उसका डीवार्मिंग करना है। और डीवार्मिंग आपकी बकरी का बॉडी वेट, मैं तो कहूँगा कुछ जुगाड़ करके उसका वजन कर ले, उसके हिसाब से 10 किलो बॉडी वेट पर 3 ml के हिसाब से दिया जाता है। आपका अगर बकरी 30 किलो है तो उसका 9 ml हुआ, लेकिन वहाँ पर आपको 10 से 11 ml देना है और बकरी को खाली पेट ही देना है, और देने के 2-3 घंटे बाद ही उसको चारा पानी देना है। पहले तो ये करना है आपको डीवार्मिंग। उसके बाद लीवर टॉनिक, कोई सा भी लीवर टॉनिक, हिमालया 52 है, ब्रोटोन है, बहुत सारे मार्केट में लीवर टॉनिक है, कोई भी लीवर टॉनिक ले लें, आपको 10 किलो बॉडी वेट पर 3 ml 2 ml के हिसाब से 2 टाइम सुबह और शाम, कम से कम 10 से 15 दिन आपको देना है। सिर्फ डीवार्मिंग एक बार करना है, लेकिन लीवर टॉनिक 10 से 15 दिन दोनों टाइम आपको देना है, कोई सा भी लीवर टॉनिक हो, तो ये बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता है, आप बहुत सारी दवाइयाँ करते हैं, लेकिन इसका मेन डीवार्मिंग करना है और लीवर टॉनिक देना है, फिर आपकी बकरी को नहीं होगा और कोई भी दिक्कत परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।